नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जब कभी भी हम किसी नई जर्नी की शुरुआत करते हैं तो हम लोग यही सोचते हैं कि उस नई जर्नी में हमको समय कितना लगेगा। जैसे मान के चलिए अभी आप जैसे इस वीडियो पर क्लिक किए हैं कि हम स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। अब स्टॉक मार्केट में आप हो सकता है, देखिए स्टॉक मार्केट कई तरीके से वर्क करता है, मतलब मल्टीपल सारी चीज़ें इसमें रहती हैं, जिसमें कि अगर मैं बात कर लूँ पहला होता है मतलब ट्रेडिंग तो होती है इंट्राडे, है ना, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, वीडियो में बने रहिएगा सारी बात करेंगे। दूसरी तरह की ट्रेडिंग होती है इसमें स्विंग ट्रेडिंग, ठीक, स्विंग ट्रेडिंग होती है। इसी में एक और होती है जो कि काफ़ी खतरनाक और डेंजरस होती है एफ एंड ओ, जिसका अगर आप फुल फॉर्म पूछेंगे मुझसे तो मैं बोलूँगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जिसमें कि ये वाली सबको एक प्रकार से पसंद तो है लेकिन करना भी चाहते हैं लेकिन उतना हर व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो इससे थोड़ा सा मजबूर रहता है, लेकिन फिर भी वो करता ज़रूर है इसी को, क्योंकि एफ एंड ओ में काफ़ी कम समय में आप काफ़ी ज़्यादा पैसा बना सकते हो। ये इसकी पावर है एफ एंड ओ की। हालांकि कई लोग पसंद करते हैं ये इंट्राडे भी, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं बहुत कम लोग करते हैं, मतलब जो इस वीडियो पर क्लिक किए होंगे मेरे को उम्मीद है कि आप स्विंग ट्रेडिंग के उतने दीवाने तो होंगे नहीं। तो सवाल ये है कि आपको अगर ट्रेडिंग सीखना है तो इंट्राडे में आपको कितने दिन लगेंगे सीखने में, या फिर अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं तो आपको कितने दिन लगेंगे, तो इस वीडियो में बने रहिएगा, हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैं सबसे पहले अपनी बात से शुरुआत करता हूं, उसके बाद मैं आप तक भी आऊंगा। देखिए 2018 मैं यूट्यूब पे लगभग 2017 से हूं और लगभग 2018 से मैं सोच रहा था कि मेरे को ट्रेडिंग सीखना है, लेकिन मैंने कभी भी ट्रेडिंग पे उतना ध्यान नहीं दिया। बस मैं सोचा था कि सीखूंगा, लेकिन नहीं सीख पाया, ना ही मैंने उसके ऊपर कोई भी विचार अपना किया, मतलब सिर्फ विचार ही किया, उस पर मैंने काम नहीं किया। तो रीज़न ये है कि आज 2018 से 2024 आ चुका है, मतलब अभी कुछ महीने पहले की बात करूं, और 2018 से 2024 तक मैंने अभी तक ट्रेडिंग जो है नहीं सीखी थी, ठीक, अभी कुछ महीने से मतलब सीख रहा हूं तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूं 2024। तो ये क्या हुआ, केवल मैंने सोच के रखा था तो मैंने नहीं सीखा। तो अगर आपको आज 2024 है ट्रेडिंग सीखने का मन है तो सबसे मेन बात है कि आप इसको स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप आज स्टार्ट नहीं करोगे तो आप इस ट्रेडिंग को कभी भी नहीं सीख पाओगे। मैं केवल ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, आप जीवन में कोई भी चीज करना चाहते हैं तो सबसे मेन उसमें जो रहता है फर्स्ट स्टेप, पहला कदम सबसे जरूरी रहता है कि आप पहला कदम लें। जब आप पहला कदम लोगे उसके बाद ही आप धीरे धीरे करके आपका ग्राफ देखिए, जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं ना तो आपका ग्राफ ऐसे रहता है, ऐसे चलता है बिल्कुल जीरो। आपको लगता है जैसे ये, ठीक है, आपको लगता है कि बिल्कुल कुछ काम ही नहीं हो रहा, लेकिन ये ग्राफ ना बहुत समय बाद फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, फिर उसके बाद अचानक बढ़ता है। जैसे आप मान के चलो यहाँ पे 2018 में थे, 2019 में थे, 2020 में थे, 2021 में थे, अब ऐसे ही बीच में 2022 भी था यहीं कहीं, अब यहाँ पे मान लो 2024 आया, ऐसे ही अब आगे चलते जाओगे आप 2025 आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि शुरुआत के 4-5 साल तो आपको ऐसा लगा कि कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे 2025 में ये ग्राफ बिल्कुल अचानक से ऐसा ऊपर उठ जाएगा। तो क्यों? क्योंकि शुरुआत में ना लर्निंग का समय बड़ा डिफिकल्ट रहता है और चीज़ें बहुत सारी हमको सीखना रहता है उसी लिए। तो कहने का मतलब ये, देखिए मैं आपको बताऊँ, कहने का मतलब ये है कि देखो अगर आप एक लाइन में उत्तर चाहते हैं कि आपको ट्रेडिंग में कितना समय लगेगा तो देखो 90 दिन में आप लगभग समझ जाओगे कि आपको क्या करना है, क्योंकि इसमें कैंडल स्टिक जो होती है, ठीक, क्या होता है कैंडल स्टिक पैटर्न, क्या होता है चार्ट पैटर्न, क्या होता है कप एंड हैंडल, वो सारी चीज़ें हैं, मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, बहुत सारी चीज़। तो ये सारी चीज़ सीखने के लिए आपको केवल लगेगा 90 दिन। आप समझ जाओगे कि आपको ट्रेडिंग कैसे करना है, ज़्यादा दिन नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लगता है और भी कई चीज़ें सीखने के लिए, तो उसके लिए आपको लग सकता है इतने मंथ, 6 मंथ आपको लग सकते हैं एक थोड़ा सा सही ट्रेड करने के लिए, लेकिन आप इस समय भी लॉस करोगे। 1 ईयर आपको अगर जैसे चाहिए, 1 ईयर लगेगा आपको कम से कम, आप मतलब इसमें एक प्रकार से थोड़े से हल्के से, मैं ये नहीं बोलूँगा कि थोड़े बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़े से आप मास्टर हो जाओगे इसमें 1 ईयर में। उसके बाद धीरे धीरे आप टाइम देते जाओगे तो 4 साल में फुल मास्टर हो जाओगे। ऐसे ही अब देखो आप अगर आप पूरा मार्केट को जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, पूरी मार्केट की अगर मैं आपसे बात करूं ना, तो जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर लेता हूं, देखिए आपको अगर मैं सच बताऊं तो आप अगर 10 साल भी दोगे ना मार्केट को, आप पूरे मास्टर भी हो जाओगे ना मार्केट में, तब भी आप कभी भी फुल तरीके से इस मार्केट को कभी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि तब भी आपको लॉस होना ही है,
इसमें 100% कभी कोई नहीं सीख सकता। कोई कितना भी सीख ले, मार्केट का ज्ञाता क्यों ना हो जाए, कितना भी ज्ञाता क्यों ना हो जाए, लेकिन उसको एक समय पे मतलब कभी ना कभी लॉस तो होता ही रहता है। प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, लेकिन हाँ ये है कि उसको प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कम से कम आपको छः महीने लगेंगे इसको सीखने के लिए। 90 दिन आपको सारा चीज़ थोड़ा सा चार्ट पैटर्न क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, तो कम से कम 90 दीजिए अपने आप को, 6 महीने दीजिए और 1 साल दीजिए बस। इसके बाद आपको सीख जाओगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। देखिए, और सबसे मेन बात ना कि आप जो है अपना ये लीजिए पहला कदम, जो कि बहुत ज़रूरी है आपको लेना। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके सीख रहा हूँ। अभी आप अगर मुझसे पूछोगे तो मुझको भी तकरीबन इतना हो चुका है, ठीक है, 90 दिन हो चुका है। आप पूछोगे कि ट्रेड कितना किया हूँ मैंने, तो मैं अभी तक किया हूँ 9 ट्रेड। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी देखिए ये है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है मेरे पास। तो और एक रीज़न और भी है, अगर मैं आपसे बात करूँ, देखिए मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ, मेरे पास ना एक चीज़ और है कि मैं सोच रहा हूँ कि पहले, हालांकि ये सोचना मेरा गलत है, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं पूरी तरीके से मास्टर हो जाऊँ और तब उतरूँ मैं मार्केट में, लेकिन ये चीज़ गलत है। अगर आप ऐसी सोच रखते हो कि पूरी तरह से मास्टर हो जाओगे तब उतरोगे मार्केट में, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप 10 साल भी दे दोगे तो भी आप पूरी तरह से मास्टर नहीं हो पाओगे। आपको देखो, आप चाहे कोर्स ज्वाइन करके सीखो, चाहे आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के सीखो, कैसे भी सीखो, लेकिन आपको जो है फीस, फिर भी जो मार्केट को है ना, मार्केट को फीस देनी ही पड़ेगी। जब तक आप इस मार्केट को फीस नहीं दोगे, तब तक आप बेहतर तरीके से लर्निंग कभी भी नहीं कर पाओगे। मार्केट को, जो कोई भी मार्केट में आता है वो अपना कुछ ना कुछ तो 30% या फिर 40% शुरुआत में, अगर मैं बोलूँ आप 10,000 लेके आ रहे हो मार्केट में, तो शुरुआत में पूरा 100% भी आपको इस मार्केट को देना पड़ता है फीस के रूप में, ठीक है। तो आपको इतना तो समय देना पड़ेगा, और थोड़ा सा आपको ये नहीं सोचो कि मास्टर है, ठीक है। देखो धीरे धीरे ही होता है, जो हमारे कह गए हैं ना वो कबीरदास जी बोले ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माटी सीछे 100 घड़ा ऋतु आत फल होए। मतलब आप चाहे 100 घड़ा पानी भी डाल दो किसी एक फल में, किसी पेड़ को लगाओ, लेकिन उसके बाद भी जब उसका समय आएगा तभी वो फल फूल देगा। तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा, मास्टर आप देखो आप काम करते रहोगे, आपको डेली कुछ ना कुछ न्यू सीखना है, सीखते जाना है हर दिन। आपका अभी शुरुआत में ना ग्राफ ऐसा चलेगा, उसके बाद जैसे जैसे आप सीखते जाओगे बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल आपको लगेगा कि नहीं यार। और आपको सबसे मेन बात बता दूं, आपको जैसे ही लगेगा, आप आ जाओगे जैसे ही ना कॉन्फिडेंस में कि हाँ यार अब तो मेरे को आने लगा है, मेरे को मान के चलो यहाँ पे 1 साल हो गया मार्केट में, तभी आपको मार्केट फिर से झटका देगा और आपको लगेगा कि नहीं यार मेरे को तो कुछ नहीं आता है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही चलते रहोगे, फिर लास्ट में जाके आप उठोगे एकदम, ये ग्राफ यहीं से ऐसा उठता है। ये बात आप मेरी याद रख लेना, जब आपको अपने ऊपर पूरी तरीके से आ जाता है ना कॉन्फिडेंस, तभी आपको मार्केट झटका देगी और आपको लात मारेगी, आपको बोलेगी कि आपको अभी भी कुछ नहीं आता है। और ये बिल्कुल सच्चाई है, आप चाहे अपने 10 ईयर्स भी दे दोगे मार्केट को तो भी आप सीखते रहोगे, तब भी आप लर्निंग स्टेज में रहोगे। तो कहने का मतलब ये है कि देखो आप पहला स्टेप लो, धीरे धीरे सीखो। और मैं आपको सच बताऊं, जैसे आज की डेट में कई सारे कोर्सेज बेच रहे हैं लोग, तो मैं आपको सच बताऊंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी कोर्स ना लें। आप सिर्फ YouTube पे जितनी भी वीडियोस बन रही हैं, जितनी ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपको देखने का मन कर रहा है, नहीं मन कर रहा है फिर भी देखो, आप किसी भी क्रिएटर की वीडियो देखो, आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या बात कर रहा है, लेकिन फिर भी आप वो वीडियोस देखो, क्योंकि हर क्रिएटर जो कुछ भी बात बताता है आपको, हर क्रिएटर से कुछ ना कुछ नई बातें जरूर जानने मिलेगी। जैसे आप अभी मेरे को देखना शुरू करोगे, तो मैं अभी उतना ज्यादा गया था तो नहीं, मैं तो बिल्कुल जीरो हूँ, आपको सच बताऊं मैं जीरो हूँ, मेरे को अभी कुछ भी नहीं आता है मार्केट में। तो आप अगर मेरी बातें देखोगे सुनोगे तो कुछ ना कुछ 1-2% तो मैं आपको अलग बताऊंगा बाकी सबसे। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे को देखो, मतलब जिस किसी की भी आप यूट्यूब वीडियोस देखोगे स्टॉक मार्केट के बारे में, ठीक है, स्टॉक मार्केट के बारे में जिस किसी वीडियो, तो न्यू कुछ ना कुछ तो आपको सीखने मिलना ही है। आप अपना ज्ञान बढ़ाइए, पहले लर्निंग कीजिए, और मार्केट में जब कभी उतरना है तो आपको लर्निंग करके उतरना है। क्योंकि मैंने उतना तो देखा नहीं हूँ, मैं नोटिस भी नहीं किया हूँ अभी तक उतना। मैंने सुना हूँ कि मार्केट में कई लोग आ जाते हैं और पूरा पैसा लेके आ जाते हैं, मान लो 10,000 लेके आ गए, 20,000 लेके आ गए, और पूरा पैसा वो अपना लॉस कर देते हैं। लॉस करने का रीज़न आपको पता है? लॉस क्यों करते हैं? लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि वो
सीखते नहीं हैं, वो सीख के नहीं आए हुए रहते हैं, ग्राउंड में उतर जाते हैं ऐसे ही अंधाधुंध पैसा लगाने लेते हैं। देखो आपको ये चीज तो पता है ना, ये चीज तो पता है ना, पहले लर्निंग होती है देन ये चीज होती है, देन ये चीज होती है। तो पहले आप लर्निंग कीजिए, उसके बाद अर्निंग तो होगी। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरा पूरा 100% मार्केट में सीख के आओ, नहीं ऐसा नहीं है। आप थोड़ा बहुत सीख लो, 1% सीख लो, 2% सीख लो, 20% सीख लो, 30% सीख लो, बस उसके बाद जो है ना आपको मार्केट सिखा ही देगी। जब ये मार्केट आपसे फीस लेगी ना, मेन फीस तो ये है जो आपको मार्केट को देना है। जिस दिन आप मार्केट को फीस दे दिए, मार्केट जो आपको सिखाएगी वो आपको कोई भी नहीं सिखा सकता, ये बात याद रखना। तो आ जाओ थोड़ा सा सीख लो, आप सिर्फ ये देख लो कैंडल स्टिक क्या होती है, ठीक, कैंडल स्टिक क्या होती है, इसमें मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न जो बनते हैं क्या बनते हैं, मॉर्निंग स्टार क्या होता है, ये जैसे कैंडल बनती है इसको क्या बोलते हैं, इसको मान लो आप हैमर बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, ये डोजी इसको बोल देते हो, इसको भी आप डोजी में मतलब ले सकते हो। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, ये भी हैमर है। ये अगर जैसे मैं बात करूं तो ये क्या बना हुआ है, ये दोनों कैंडल, ये क्या, कौन सा कैंडल है, ये मोरो बाजू कैंडल है। तो ये सारी चीजें थोड़ी बहुत आप सीख लो, उसके बाद आ जाओ, उसके बाद आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। तो पहला स्टेप लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। आई होप कि आपको ज़्यादा मतलब थोड़ा सा बोर कर दिया होगा, लेकिन ठीक है, आप थोड़ा सा मुझको भी अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरा भी नया चैनल है। और कोर्स तो बिल्कुल बाय नहीं किए, क्योंकि मैंने भी एक कोर्स बाय किया था, वो तो मैं ज़बरदस्ती भी ले लिया था, मेरा उतना मन नहीं था, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप किसी का भी कोर्स लोगे ना, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टाइम आपको ही देना पड़ेगा, सीखना आपको ही है। कोर्स में ना कुछ भी नहीं बताते हैं यार, आपको बकवास बेवकूफ़ उल्लू बनाते हैं लोग, सही बता रहा हूँ मैं आपसे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने की हैबिट डालिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरी वीडियोस, आप जितनी भी वीडियोस देखोगे स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग, तो आपको उसमें कुछ ना कुछ हेल्प ही मिलेगी। आप अगर पैसा देना ही चाहते हो कि नहीं मेरे को पैसा देना ही है, मेरे को तभी तो मैं सीखूंगा, तो भाई मार्केट को दो पैसा। आप मार्केट को पैसा दोगे, मतलब मार्केट को आप पैसा दोगे या मार्केट को आप फीस दोगे, जैसे आप कोचिंग करना चाहते हो ना, तो आपको फीस देना ही है, तो मार्केट को फीस दो, क्योंकि इसको जब फीस दोगे ना तो ये जो लर्निंग देगा आपको, वो अर्निंग या लर्निंग कोई भी नहीं देगा, अर्निंग भी यही देगा, लर्निंग भी यही देगा। तो दोस्तों फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सपोर्ट करो। मैं भी आपको जो थोड़ा बहुत ही बनेगा वो सारी चीज़ें बताऊंगा, थोड़ा बहुत ही आपको मोटिवेट भी करने की कोशिश करूंगा कि क्या आपको अगर लॉस हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो सारी चीज़ें इस चैनल पर अब से आएंगी। इस चैनल की थीम अब स्टॉक मार्केट के लिए हम बिल्कुल तैयार करने वाले हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, शेयर करना है अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को, क्यों, क्योंकि पहले आपको लर्निंग जरूरी है और कोर्स जो है आपको एक भी कोर्स नहीं बाय करना है स्टॉक मार्केट का, इस बात को याद रखना है, क्योंकि पैसे ही बर्बाद करोगे आप। बहुत ज़्यादा ही आपको मन है फीस देने का ना, तो आप मुझको भी नहीं दो, मेरे को भी नहीं चाहिए, आप मार्केट को फीस भरो। इसको फीस भरोगे तो आपकी फीस वर्थ रहेगी।